बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दहरिया टाउन पिशावर। तो इस हवाले से आज की मीटिंग है, बातें चल रही हैं, रूमर्स जा रहे हैं कि बैरियर टाउन कीमतें क्या डिसाइड करेगा। कीमतों का जो डिसीजन है वो बैरियर टाउन वहाँ के लोगों का सर्वे करके पूरी एक वर्किंग करने के बाद ही डिसाइड करता है। वो अपने सोसाइटी की जो प्लानिंग है वो वहाँ का जो कम्यूनिटी होती है उनके साथ बैठ के डिसाइड करता है। और जिन लोगों का ये सवाल था कि कीमतें ज़्यादा होंगी कम होंगी, कीमतें मुनासिब होंगी, पेमेंट प्लान भी मुनासिब होगा। और मेरा सुनने वालों से यही कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कोशिश करें कि आप बुकिंग में जाएं, क्योंकि जो ही बुकिंग क्लोज होगी तो ये ग्रंटेड है कि बैरियर टाउन के माजी में जितने प्रोजेक्ट की बुकिंग क्लोज हुई है फौरन उसके बाद उसके ऊपर ऑन स्टार्ट हो गए। तो बजाय आप ऑन पे करें स्टार्ट में ही, आप अपनी बुकिंग करवाएं। जो बैरियर टाउन का पेमेंट प्लान होगा आप ये ना देखें कि रेट कम है या ज़्यादा है, जब बुकिंग क्लोज होती है तो ऑटोमेटिकली इनके रेट्स में प्राइस ऊपर जाती हैं। तो फर्स्ट कम के आप आके उसी टाइम उसकी बुकिंग करवाएं ताकि आपको प्रॉफिट कम अज कम ना देना पड़े। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बुकिंग क्लोज होने के बाद आप अपनी फाइल के ऊपर जो है वो प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। तो बुकिंग जो भी होगी इंशाल्लाह वो प्रॉफिट मिल जाएगी। चलिए, खैर ये भी लॉन्च हो रहा है तो इसके ऊपर देखें कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे करना है। हमने हमारे पास एक तो काफी पुरानी उस दौर की नीड भी है। आपको एक चैलेंज के साथ कहने लगा हूं कि जब बैरियर टाउन पेशावर अपनी बुकिंग देगा तो ये सारी स्ट्रेटजियां भाग जाएंगी, कुछ भी नहीं रहना। क्योंकि बैरियर टाउन मलिक रियाज जिस भी शहर में जाता है ना, वहां पे मलिक रियाज अपनी जो है वो खुद अपनी एक रेस लगाता है। तो इंशाल्लाह मलिक रियाज जब पेशावर में आएगा, बैरियर टाउन पेशावर में आएगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, सुनने वालों को भी मैं कहता हूँ, इंशाल्लाह बाकी तमाम सोसाइटियों को आप भूल जाएंगे। एक गल की थी पावा, और एक मोटरवे के साथ की लोकेशन जो है ना ये बड़ी मायने रखती है वैसे, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब इन्होंने कॉल की थी हम सब लोग डीलर्स गए थे पेशावर में इकट्ठे हुए थे, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, तो वहां पे ज्यादातर लोग यही पूछ रहे थे कि यार इसकी लोकेशन क्या है। तो उम्मीद है कि अब ये इन्होंने दोबारा मीटिंग रखी है उसमें लोकेशन का भी ये बताएंगे इंशाल्लाह। उसके साथ हेड ऑफिस है सब्जी मंडी जो है ना, सब्जी मंडी के साथ इनका हेड ऑफिस है। अच्छा सर, कुछ अब आपका तो बैरियर टाउन के साथ तकरीबन कोई 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, तो जब बैरिया अपना शहर चेंज करता है, क्योंकि पिंडी में इन्होंने लॉन्च किया, इस्लामाबाद में लॉन्च किया, पिशावर में भी लॉन्च किया, अब पिशावर में लॉन्च कर रहे हैं। और मुझे सही याद है कि जब हमने काम शुरू किया था आपके साथ ही, तो आप कहते थे कि बैरियर टाउन में पिशावर के लोगों की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या वो कॉन्सेप्ट अब भी पिशावर के लोगों में मौजूद है? कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इसके मतलब? बिल्कुल, पिशावर जो है ना ये सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में अब जहाँ भी बड़े रियल स्टेट का काम होता है जैसे कराची आपका लाहौर हो गया, वहाँ पर इनकी इन्वेस्टमेंट है। और ये इस्लामाबाद तो नज़दीक है ना पिशावर से, अगर आप देखें तो दूर तो नहीं है इतना, तो आप खुद भी देख लें कि कितने रियल स्टेट एजेंट पेशावर से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आपको कितने लोग ज़्यादा मिलते हैं। तो पेशावर जो है ये तो बहुत लोगों की, जो पेशावर जब पिछले जब हम गए भी थे वहाँ पे भी, और अभी भी जैसे ही आप लॉन्च करते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा उसकी इंक्वायरी आना शुरू हो जाती है पेशावर के हवाले से। तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुनासिब टाइम नहीं है लॉन्चिंग का, लेकिन मैं नहीं समझता कि मुनासिब टाइम है। लोगों के पास पैसा है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, लेकिन जो मुल्की सूरत बनी उसके वजह से लोग रियल स्टेट में नहीं लगा रहे, और दूसरा कुछ टैक्सेस के हवाले से। तो नई सोसाइटी जब लॉन्च होगी तो ये फार्म टाइप होगी, तो टैक्सेस इसके ऊपर वैसे ही वो जो चीज़ है ना टैक्सेस वाली, वो तो इस पर आएगी नहीं, क्योंकि न्यू बुकिंग है, इसमें टैक्सेस तो लगने कोई नहीं है, इसलिए वो टैक्सेस तो आप निकल गए बिल्कुल बाहर। अब दूसरा ये कि पेशावर में लोगों के पास पैसा भी है और वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, बैरियर टाउन जितने भी लोग कह ले कि जो भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान में एक ब्रांड है, एक नाम है अभी तक। ये और वजह है कि कराची टू नहीं बिक सका, उसके बहुत ज्यादा लॉजिक है, वजह थी। और मेरा ख्याल है जो इंतजाम, जो बैरियर टाउन वाले हैं, जो इनकी इंतजामिया ना, यकीनन जो वहां पे हुआ बैरियर टाउन कराची में, इनको भी पता होगा कि क्या हुआ, तो वो गलती इस दफा मुझे नहीं लग रहा कि दोहराएंगे। और बैरियर टाउन में वो पेशावर के रियल्टर को भी एतमाद में ले रहे हैं, बाकी जो पाकिस्तान के रियल्टर हैं उनको भी एतमाद में ले रहे हैं, और मेरा ख्याल इस दफा ये रियल्टर के जरिए ही बेचना चाह रहे हैं। जी जी जी, मैं सर कि ये इस बार जैसे कराची में इन्होंने सबसे पहले अपार्टमेंट दिए हैं, बैरियर टाउन पेशावर में भी सबसे पहले अपार्टमेंट का ही प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सुनने में ये बात आ रही है कि सबसे पहले अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद रेजिडेंशियल साथ में लॉन्च करेंगे। अभी एक दो दिन की बात है, मेरा ख्याल है ये सूरत अलवाजी होना शुरू हो जाएगी कि क्या आ रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि पेशावर में वो अपार्टमेंट शुरू में देंगे,
क्योंकि वो सूट नहीं करता पेशावर वैसे अपार्टमेंट के लिए मुनासिब नहीं है। सबसे पहली बात उनकी कमर्शियल ही आई है, बैरियर टाउन कमर्शियल लॉन्च करने लगा है पेशावर। कमर्शियल हो सकता है, कमर्शियल मल्टीपल स्टोरीज हो सकती है, मल्टीपल स्टोरीज वो कमर्शियल प्लॉट्स दे सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट मेरा नहीं ख्याल शुरू में देगा। मैं तो सर ये कह रहा था सिटी चेंज, सिटी चेंज, मगर अभी केपीके में फर्स्ट टाइम आ रही है। पेशावर से जो है ना वो इन्वेस्टमेंट निकलेगी, पेशावर से इन्वेस्टमेंट निकलेगी बैरियर में, वो पेशावर से तो आएगी इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये ना हो कि आपके पिंडी की इन्वेस्टमेंट निकल के उधर ये तो वैस भाई को पता होगा, वैस भाई की बहुत इन्वेस्टमेंट है पिंडी सर। नहीं पिंडी में, पिंडी का इन्वेस्टर से कहीं भी नहीं जाएगा फिलहाल तो। नहीं पेशावर की इन्वेस्टमेंट जो पिंडी में है, पेशावर की इन्वेस्टमेंट तो आपकी पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में चल रही है। बेसिकली जो पठान कम्युनिटी है इस टाइम बहुत अच्छा है इनका, बाहरी कंट्रीज में, पाकिस्तान में और इवन बहरिया में हमारी काफी अच्छी इनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो मेरे भी ख्याल के यहाँ पे वक्ती तो खामोशी ओवरऑल होगी, मगर यह कि काम फेज एट का भी चलेगा और बहरिया के कराची का भी चलेगा और बहरिया लाहौर का भी चलेगा, काम तो नहीं रुकेगा। मगर यह है कि फर्क कुछ पड़ेगा जब ये स्टार्ट होगा, मगर वक्तन वक्तन तो बहरिया एक ब्रांड है। देखें अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसको बाकी चीजों से मिला सकते, ठीक है वो अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल पेशावर में फिर जो पुराने रिकॉर्ड है बहरिया टाउन, एक दफा उन नजर आएगा कि ये वही बहरिया टाउन है जो किसी दौर में लोग लेते थे, ट्रस्ट करते थे, मुझे लगता है पेशावर में इन्वेस्टमेंट करवाने वाला तो डीलर ही होता है ना, तो डीलर को भी फैसिलिटेट करेंगे इसमें कोई नहीं, क्योंकि सोसाइटी को जो है वो मेन थे डीलर का भी बड़ा बहुत किरदार होता है उसमें, वो कराची की तरह टू की तरह इसमें भी डीलर को बैक फुट पे फेंकेंगे या फिर करेंगे। इसमें ना फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो मैंने ये पिछले ना एक साल के अंदर पाकिस्तान से बहुत सारे डीलर गए हुए हैं, दुबई मूव हुए हैं, और दुबई मूव होने के बाद जैसे ही पेशावर लॉन्च हुआ है वो वर्किंग उन्होंने दुबई में ही शुरू कर दी है। अगर उनको लग रहा है कि उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया है बैरिया ने, बैरिया इस बार डीलर को साथ ले रहा है, इसलिए सारे डीलर जो दुबई भी मूव हुए हैं वो वहां पे भी वर्किंग शुरू उन्होंने। और इसमें इस चीज को सबसे पहले किसी चीज किसी ने ऑन किया तो मलगरे आसान है कि डीलर के बगैर नहीं बेचा जा सकता, मतलब इसका क्रेडिट पाकिस्तान में अगर जाता है तो मलगरे साफ हो जाता है। और मेरा ख्याल है इस दफा फिर वही प्रैक्टिस होगी, और जैसे ही आपको लगता है कि तमाम डीलर को मुतर्रक किया गया पूरे पाकिस्तान में, तमाम जितनी भी कम्युनिटी है डीलर कम्युनिटी मुतर्रक है, मीटिंग चल रही है कि इसको कैसे बेहतर तरीके से आगे लॉन्च किया जाए। प्रॉपर्टी के मतलब जैसे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी ये चीज़ें हैं, कि मेरे ख्याल से सारे मलिक साहब ने बताए हैं, जो भी है ज्यादा आते हैं ये मलिक साहब की अपनी है। और साथ साथ जो बीटी के टू है वो उसने फेज लॉन्च किया था, आरएनडी कराची में वो लॉन्चिंग कर चुका था, फेज टू की लॉन्चिंग थी। हाँ, फेज टू की। अब जो पेशावर में वो एक नया शहर लॉन्च कर रहा है तो उसमें बड़ा डिफरेंट होगा, उसकी मार्केटिंग का सारी चीजें डिफरेंट होंगी उसमें काफी। सर हमारे जो ओवरसीज क्लाइंट है ना, जब बीटी के लॉन्च हुआ था वो तब भी पेशावर का पूछ रहे थे, बहरिया टाउन पेशावर, बहरिया टाउन पेशावर, पाकिस्तान।